हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। जैसे हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाहिशें होती हैं, वैसे ही पशुओं को भी समझना हर एक इंसान का एक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी का जीवन बहुत ही मूल्यवान है। तो हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए 750 मीटर लंबा एक हैंगिंग सोलर फेंस इंस्टॉल किया है और उसे रेलवे ट्रैक में बनवाया गया है ताकि एलिफेंट्स को ना क्रॉस कर सके, इसका व्यवस्था हुआ है। इसमें एलिफेंट्स और दूसरे एनिमल्स जब ट्रैक में आएंगे तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग शॉक दिया जाएगा जिससे वो ट्रैक में नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से उनका जान बच पाएगा। ये 10,000 वोल्ट का फैंस सोलर पावर है और इसमें मौजूद करंट इसका शॉक को नॉन फेटल बनाता है। ये सिर्फ सोलर ही नहीं बल्कि हैंगिंग सोलर फैंस है और ओडिशा में इसे पहली बार इंस्टॉल किया गया है। इसमें 3 मिलीसेकंड पल्सेस है और वायर्स में कोई करंट मौजूद नहीं है। जब एलिफेंट्स ट्रैक में आने की कोशिश करेंगे तब उसे एक शॉक दिया जाएगा, जिससे एक या दो बार शॉक मिलने के बाद वो दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स के एक्सीडेंट का होना बहुत मात्रा में कम हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की जान भी बच पाएगी, क्योंकि एलिफेंट्स का जंगल से बाहर आना ह्यूमंस के लिए एक हानिकारक होता था, बहुत से लोगों की जान चली जाती थी। सेवरल एलिफेंट्स मूवमेंट जोन्स में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रेंचेस बनवाई थी रेलवे ट्रैक के पास, ताकि जंबो को रेलवे लाइंस में वेंचर ना होने के लिए प्रिवेंट करे, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं दिया क्योंकि एलिफेंट्स उस ट्रेंच को क्रॉस कर देते थे और जिस वजह से मिसहैप हो जाता था। इसलिए इस सोलर फेंसिंग को इंस्टॉल किया गया ताकि डेथ प्रिवेंट हो सके और इसमें ह्यूमंस की भी सेफ्टी इंश्योर हो पाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस टेक्निक को सैटरडे के दिन केउंझर डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया है। इसे 800 मीटर लॉन्ग जोड़ा के रेलवे ट्रैक में बनवाया गया है, जिसे कि केउंझर का मिनरल हब कहा जाता है। इसका कॉस्ट करीबन 10 लाख से जोड़ा के जलहरी में इस इलेक्ट्रिकल पोल में इसे डाला गया है। 15 फीट ऊंचाई में और ग्राउंड लेवल से 3.5 फीट टू 4 फीट हाई है, जो दोनों तरफ से रेलवे ट्रैक को कवर करता है। इसे पहले जोड़ा एरिया में बनवाया गया क्योंकि लास्ट ईयर मई को ही एक फीमेल एलिफेंट और उसके 2 काक्स गुड ट्रेन्स के नीचे आ गए थे और नियरली 22 एलिफेंट्स की भी एक्सीडेंट हुई थी ट्रैक को क्रॉस करते हुए। तो ये सोलर फेंस क्या होता है, इसके बारे में भी आप सोच के बहुत ही डाउट आ रहा होगा आपके मन में, तो चलिए जानते हैं सोलर फेंसिंग का मतलब क्या है। ये एक इलेक्ट्रिकल फेंस है, मतलब जब कोई ह्यूमन या फिर एनिमल्स इस फेंस के कंटैक्ट में आते हैं तो उसे एक करंट शॉक मिलता है। ये एक पेरिमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो कि सूर्य किरण की एनर्जी से चलता है और इस शॉक से किसी भी लिविंग बींग का कोई लॉस नहीं होता। तो ये काम कैसे करता है, ये सोलर मॉड्यूल है जो कि सनलाइट से डायरेक्ट करंट जनरेट करता है और सिस्टम का बैटरी इसी से चार्ज होता है और पावर होने के बाद शार्प पल्सेस प्रोड्यूस करता है, नियरली 1000 वोल्ट्स का, जो कि शार्प और शॉर्ट लिव्ड है। ये पल्सेस वायर्स के थ्रू पास होगा फेंस में, जो कि 3 मिली सेकेंड्स तक रहेगा और जो भी उस वक्त उसके कांटेक्ट में आएंगे उसे ये करंट शॉक मिलेगा, लेकिन ये नॉन फेटल होगा। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है एलिफेंट्स और अन्य पशुओं के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेजनक होने वाला है और बहुत से प्राणी का जीवन इसमें सुरक्षित हो पाएगा। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।